ये गया शहरी क्षेत्र में 26 तारीख की रात में कुछ संदिग्ध गतिविधि हुई थी जो शहर के ATMs हैं उनके लिए तोड़ने का प्रयास हुआ था, और इसी क्रम में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया था जिसके आलोक में DSP लॉ एंड ऑर्डर और मगध मेडिकल के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष के द्वारा 27 तारीख की रात्रि में एक स्कॉर्पियो में संदिग्ध 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया है जिनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है, और जो इन लोगों से पूछताछ और इससे अभी तक बातें सामने आई हैं ये मुख्य रूप से ATM से पैसा लूटने का काम करते हैं और उसी की पाट में लगे हुए थे जिस कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति राजू चौधरी जो कि हरियो गांव का रहने वाला है, वो पहले से डकैती के केस में भी चार्जशीटेड रहा है। इन लोगों की गिरफ्तारी से जो संभावित घटना हो सकती थी उसे टाला गया है। किस एरिया में लोग कार से अंजाम देते थे? ये लोग बेसिकली शहर के, क्योंकि 26 तारीख को जो घटना हुई थी वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पटारी के पास था, ये बेसिकली जहाँ पर ऐसे जगहों के ATM जो कि थोड़े से अलूफ हैं, जहाँ पर लोगों की आम लोगों की नज़र नहीं है, वैसे लोगों का चिन्हित करके कार्रवाई का प्रयास कर रहे थे। सर क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से अभी एक देसी पिस्तौल है, 2 कारतूस है, और उसके अलावा जो ATM तोड़ने का जो इम्प्लीमेंट होता है वो बरामद हुआ है, एक स्कॉर्पियो वाहन भी है, मोबाइल है। सारे गया जिले से है यार बाहर के? अभी तो जैसा बता रहे हैं शुरू में तो उन्होंने अपना सही नाम पता नहीं बताया था कुछ लोगों ने, अभी जो बताया है उसमें मुख्य रूप से लोग हरियो गांव के हैं और एक व्यक्ति बारा चट्टी का बताया गया है, लेकिन इस चीज़ का हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं और भी कहाँ इन लोग का आपराधिक इतिहास है। अभी तक जो राजू चौधरी है उसका पुरकर 2 और एक जो भी सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पा रखी है 3 इसके क्रिमिनल हिस्ट्री के रूप में आया है, बाकी लोगों का भी सत्यापन किया गया है।